तनिष्क लाए हैं अपनों के लिए उपहारों का मौसम। अपने हीरे को गिफ्ट कीजिए हीरा और कहिए हीरा हो तुम। हीरो के गहनों की कीमत पर पाइए 20% तक की छूट। विजिट तनिष्क इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये जो बजट प्रस्तुत किया है, ये आत्मनिर्भर भारत को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाने वाला है, क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आने वाले 25 वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में हमारा भारत की तस्वीर कैसी हो, हम कैसा भारत को कैसा देखना चाहते हैं, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्होंने 5 स्तंभों पर अपने पूरे बजट को स्थापित किया है। उन 5 स्तंभों में इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था जो है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5 मिलियन हो, और उस नाते से एमएसएमई को कैसे बढ़ावा मिल सकता है, उस एमएसएमई को जिसका रोजगार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए इस अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, इस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो, उस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में नए ई हाईवे बनाने की बात, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत एक्सप्रेस वे बनाने की बात, ई एक्सप्रेस वे 25,000 किलोमीटर ई एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, जिसमें बुलेट ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जल परिवहन के साधन विकसित किए जा रहे हैं, नए नए बंदरगाह और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि माल की ढुलाई का काम आसानी से हो सके। इसके साथ ही गुड गवर्नेंस तब जब तक नहीं होगा जब तक कि हम बहुत ईजी नहीं करेंगे लोगों के लिए चीज़ें, और उन लोगों के लिए चीज़ों को ईजी करने के लिए बहुत सारे कानूनों में छूट दी गई है, नए कानून बनाए गए हैं, पुराने कानूनों को कैंसिल किया गया है और लोगों को बहुत आसानी से चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि गुड गवर्नेंस के माध्यम से किसी प्रकार की सरकारी मशीनरी में कोई लाल फीताशाही ना होकर के लोगों को सीधा लाभ दिया जा सके, ट्रांसपेरेंसी हो। गुड गवर्नेंस तब होगा जब ट्रांसपेरेंसी होगी, तो ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटल इंडिया के तहत जो लाभार्थी व्यक्ति है, उस लाभार्थी व्यक्ति को सीधे उसके अकाउंट में लाभ दिया जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेवाओं को ई पोर्टल पर, ऑनलाइन पोर्टल पर, डिजिटल पोर्टल पर लाया जा रहा है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, कौशल युवा कैसे बने, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में नए नए रोजगार दिए गए हैं। मैं कृषि के क्षेत्र में कहना चाहूँगी कि कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पॉम ऑयल जो हम विदेशों से आयात करते थे, उस पॉम ऑयल के को आयात करना ना पड़े, इसलिए हिंदुस्तान में ही तिलहन की खेती को अधिक बढ़ावा दिया जा सके, ताकि खाद्य तेलों की जो खपत है उस खपत की पूर्ति इंडिया से ही पूरी की जा सकते, तो इसलिए एमएसएमई में और समर्थन मूल्य पर जो चीज़ें खरीदी जाती थी, उन समर्थन मूल्य की खरीद के बजट को दुगना किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में। तो इस तरह से ये चीज़ें कही गई हैं, और साथ में हमारा जो रक्षा बजट है, उस रक्षा बजट को भी 16% बढ़ाया गया है। हमने ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करना प्रारंभ किया है। अभी तक तो हम इंपोर्ट करते थे हमारे रक्षा के संसाधनों को, लेकिन अब हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत में ये सभी जो उद्यम है वो स्थापित हो रहे हैं, उसमें रोजगार भी मिल रहा है, तो रोजगार की दृष्टि से भी बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को अपनी अर्थोपार्जन के लिए रोजगार भी मिल रहा है, और हम इंडस्ट्री के माध्यम से इन चीज़ों की पूर्ति कर पा रहे हैं, हमारी सेना की पूर्ति कर पा रहे हैं, और हम उनको विदेश में भी दे पा रहे हैं। तो सभी फिल्में से ये समावेशी बजट है। महिलाओं के क्षेत्र में 200,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को क्रमोन्नत करने की बात कही गई है, साथ ही मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य योजना के तहत करोड़ों रुपयों का प्रोविज़न किया गया है। तो कृषि के क्षेत्र में चाहें, चाहे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जाएं, चाहे मजदूरी के क्षेत्र में जाएं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाएं, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में जाएं, हर जगह ये बजट जो है वो समावेशी बजट है, और आने वाले समय में इसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो ये आम लोगों तक ये पहुंचना चाहिए, आम लोग इसके पात्र हैं। इतनी बात करके मैं अपनी बात को पूरा करूँगा।